करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक डेट्स की, यानी कि अब हम आगे समझते हैं कि पब्लिक डेट्स के कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं। तो बच्चों कई तरीके के क्लासिफिकेशन पब्लिक डेट्स के एरिया में किए जाते हैं, कुछ के बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो बच्चों मैं आपको ये एक्सप्लेन आगे कराऊं उससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूं कि हम यूजी पीजी यूजीसी नेट पीजीटी इकोनॉमिक्स तमाम बहुत सारे कोर्सेज बच्चों हम चलाते हैं, जिसमें आपको वीडियो कोर्स नोट्स टेस्ट सीरीज जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ हम आपको पूरा करा के दे रहे हैं, सिस्टमेटिकल ऑर्डर में दे रहे हैं। तो आप हमारा अगर कोर्स ज्वाइन करना है चाहें तो आप हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के माध्यम से हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा बच्चों मैं आपको ये बता देता हूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक डेट्स की हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहला है इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेट्स। इंटरनल डेट्स का मतलब हुआ जो देश के अंदर से लिया गया है, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा देश के अंदर से जो पैसा लिया जाता है उसको बोलते हैं इंटरनल डेट्स। और एक्सटर्नल डेट्स का मतलब है कि जो भारत जो है, जैसे भारत के रेफरेंस की बात करें तो भारत क्या करता है, विदेशी सरकारों से, विदेशी लोगों से और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से भी लोन लेता है, IMF से भी लेता है, वर्ल्ड बैंक से भी ले दिया जाता है। तो इस तरीके का जो लोन है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल डेट्स। इंटरनल डेट्स देश के अंदर से लिया जाता है, यानी कि पब्लिक से ले लिया जाए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लिया जाए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है चाहे बैंकिंग हो चाहे नॉन बैंकिंग हो, इसके अलावा सेंट्रल बैंक से ले लिया जाए। तो ये सारे तरीके हैं गवर्नमेंट के द्वारा इंटरनल सोर्स से लोन प्राप्त करने के। एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करें तो इसके अंदर आता है बोरोइंग फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट से लोन लिया गया है फॉरेन गवर्नमेंट से। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट से लोन ले लिया गया है, जो कि मार्केट इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा उस पर लोन ले लिया गया है, या बोरोइंग फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और भी तमाम तरीके की इंस्टीट्यूशन है जो चल रहे हैं, जो लोन देने का काम करते हैं, उनके माध्यम से लोन ले लिया गया है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल डेट्स। तो इंटरनल डेट्स देश के अंदर से लोन मिल गया है आपको, पब्लिक से, इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, सेंट्रल बैंक से, तो इंटरनल है। और एक्सटर्नल का मतलब है आपको विदेशों से लोन मिल गया, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसके अलावा प्रोडक्टिव एंड नॉन अनप्रोडक्टिव लोन। देखिए आपने क्या किया, कोई लोन लिया, लेकिन लोन लेने का पर्पज क्या है? लोन लेने का पर्पज है आपका मेट्रो बनाना, लोन लेने का पर्पज है आपका रोड बनाना, लोन लेने का पर्पज है आपका बुलेट ट्रेन बनाना, लोन लेने का पर्पज है आपका इरिगेशन फैसिलिटी डेवलपमेंट करना, कम्युनिकेशन फैसिलिटी डेवलप करना। तो ये सारे के सारे कहलाते हैं प्रोडक्टिव डेट्स। और अनप्रोडक्टिव वो होते हैं जो कि आप इसलिए ले रहे हो क्योंकि वॉर पे आपको खर्चा करना है, कोई फैमिली आ गई है उस पे खर्चा करना है, कोई रिलीफ फंड आपको देना है उन पे खर्चा करना है, या आपने इंटरेस्ट पेमेंट करना है उस पर आपको उसके लिए लोन ले लिया गया है, सैलरी पेमेंट करनी है कर्मचारी के लिए उसके लिए लोन ले लिया गया है, तो इसको बोलते हैं अनप्रोडक्टिव लोन। देखिए जो प्रोडक्टिव लोन होते हैं वो इस काबिल होते हैं कि भविष्य में जाकर अपना पेमेंट कर सकें, लेकिन जो अनप्रोडक्टिव लोन है वो एक देश के ऊपर बर्डन ही साबित होते हैं। तो ये बच्चों आपको समझना है। इसके अलावा अगला जो हमने बता रहे हैं वो है रिडीमेबल एंड अनरिडीमेबल लोन। देखिए रिडीमेबल लोन वो है जिसमें गवर्नमेंट जब लोन लेती है तो उसी दिन डिसाइड कर देती है कि किस तारीख को ये रिडीम किया जाएगा, यानी कि जिसमें मैच्योरिटी की जो डेट है वो प्री डिटरमाइन होती है, इंटरेस्ट रेट प्री डिटरमाइन होता है और सरकार मैच्योरिटी आने पर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों ही वापस कर देती है। अनरिडीमेबल डेट्स वो होते हैं जिसमें सरकार प्रिंसिपल अमाउंट को वापस नहीं करती है, मतलब लोग चाहेंगे तो वापस नहीं करेगी, सरकार चाहेगी तो वापस कर सकती है, यानी कि वो ट्रांसफरेबल हो सकते हैं, लेकिन सरकार जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वापस नहीं करती, ना कभी करती ही नहीं है, और समय आने पर या जो भी समय होता है उस पर सरकार जो इंटरेस्ट है वो पेमेंट करती रहती है। यानी कि जैसे 20 साल 30 साल के लिए अगर आप सरकारी बॉन्ड बाय करते हो तो वो रिडीमेबल डेट्स है, यानी कि गवर्नमेंट वापस तो करेगी, लेकिन इन रिडीमेबल में कोई भी डेट नहीं होती है, प्रिंसिपल अमाउंट वापस करने की कोई पार्टिकुलर डेट नहीं होती है, इंटरेस्ट अमाउंट रेगुलर बेसिस पे जो भी गवर्नमेंट ने प्रोविजन किया उस बेस पे वापस कर देती है। अगला हम बात करें फंडेड एंड अनफंडेड डेट्स में, तो जो फंडेड हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, उनमें डिफाइन होता है इंटरेस्ट रेट, डिफाइन होता है मैच्योरिटी पीरियड, डिफाइन होता है टर्म एंड कंडीशन डिफाइन होती है, और ये लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं और इंटरेस्ट रेट का पेमेंट करना है, कैसे पेमेंट करना है सब कुछ डिटरमाइन होता है, यानी कि इसके लिए सरकार प्रॉपर प्लान बनाती है। कई बार सरकार को इमीडिएट फंड की जरूरत पड़ जाती है और इसका कोई एक तरीके से आप कह सकते हो कोई पेमेंट करने की कोई समय सीमा नहीं होती है, यानी कि एक तरीके का ये अनफंडेड डेट्स है, यानी कि आपने क्या किया बैंक से लोन लिया तो वो फंडेड है, आपने किसी दोस्त से पैसा ले लिया या दोस्त ने आपसे पैसा ले लिया तो वो अनफंडेड की श्रेणी में आता है। इसी तरीके से गवर्नमेंट अगर प्रॉपर प्लान बना के किसी से लोन ले रही है तो वो फंडेड है, जिसके अंदर टर्म एंड कंडीशन डिसाइड होती है, इंटरेस्ट रेट कितना दिया जाएगा, किस तारीख को दिया जाएगा, कैसे पेमेंट किया जाएगा। और अनफंडेड का मतलब है जिसमें सरकार पेमेंट रिसीव कर लेती है, हालांकि ये शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है लेकिन इसमें कोई भी
डायरेक्शन गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती है। इसी तरीके से बच्चों वॉलंटरी एंड कंपलसरी है। देखिए वॉलंटरी तो आप जानते ही होंगे, गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे बॉन्ड जारी करती है, अगर आप उनको खरीदते हो तो आपको 1.5 लाख रुपये तक का इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है भारत में। NSC है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, इसके अलावा गवर्नमेंट कई तरीके के बॉन्ड जारी करती है, आप चाहो तो ट्रेजरी बिल बाय कर सकते हो। ये सारे के सारे वॉलंटरी है, यानी कि हमारे ऊपर कोई कंपल्सन नहीं है कि हम इसको बाय करें, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, वॉलंटरी डेप्स। कंपल्सरी डेप्स वो होती है जिसमें सरकार एक प्रोविजन कर देती है कि हर व्यक्ति को इतने पैसे का तो बॉन्ड बाय करना ही पड़ेगा। एक तरीके से व्यक्ति जो है वो लीगल बाउंड है उस बॉन्ड को बाय करने के लिए, यानी कि लीगली उसको बाय करना पड़ता है, और ऐसा आमतौर पर गवर्नमेंट तब करती है जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है। तो ये कहलाता है बच्चों कंपलसरी एंड वॉलंटरी। कंपलसरी में बेसिकली गवर्नमेंट इस तरीके का प्रोविजन कर देती है जिसमें बोरोवर को इस तरीके के लोन सरकार को देने ही पड़ेंगे, जबकि वॉलंटरी में इच्छा अनुसार वो सिक्योरिटी या बॉन्ड बाय कर सकता है। इसी तरीके से बच्चों शॉर्ट टर्म, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन होते हैं। शॉर्ट टर्म लोन में बेसिकली क्या होता है कि ये शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। शॉर्ट पीरियड का मतलब एक महीना या सॉरी इसका मतलब बेसिकली 3 महीने से स्टार्ट होके और 1 ईयर तक जाता है, तो ये कहलाता है शॉर्ट टर्म लोन। मीडियम टर्म में जो लोन की जो पीरियड है वो 1 ईयर से लेकर है बट लेस देन 10 ईयर, और 10 ईयर से अगर ऊपर लोन लेती है तो वो लॉन्ग टर्म लोन में आता है। यानी कि पीरियड के हिसाब से भी इसको हम डिसाइड कर सकते हैं कि लॉन्ग रन है या शॉर्ट रन है। तो बच्चों ये सारे के सारे हमने पॉइंट आपसे डिस्कस किए जिसमें हमने बेसिकली आपको क्लासिफिकेशन बताया है कि किस किस तरीके से आप पब्लिक डेट्स को क्लासिफिकेशन कर सकते हो। बच्चों तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही करा रहा हूं।